जलवा थुमा है, मैं पेशावर से बिलोंग करती हूँ और रंगीत वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से मैं 2 साल से अपने इदारा चला रही हूँ। मैं चूँकि बचपन से आर्ट से बड़ा शौक़ रखती थी और मैं एक ऐसे कहूँगी कि पैदाइशी आर्टिस्ट थी, और वक्त के साथ साथ ज़ाहिर है जब टाइम गुजरता गया तो मेरी वो कोशिश और जदोजहद और तेज़ हो गई कि मैं इस आर्ट को प्रॉपरली सीख सकूँ, ना सिर्फ सीख सकूँ बल्कि मैं तमाम उन बच्चों के लिए कुछ करूँ जो कि पढ़े लिखे नहीं, और आर्ट के जरिए ब्रश के ज़रिए मैं उनको एक डिफरेंट तरीके से तरबियत देना चाहती थी। इस वजह से मैंने अपने इदारे का आगाज़ किया, और मेरा मोटो है कि लिख नहीं सकते बना तो सकते हो। तो अल्लाह ताला का शुक्र है मैंने एक बच्ची से शुरुआत की थी जो कि मेरे दरवाज़े पे आई थी और जो कि बेघर थी, भीख मांगने के लिए आई थी, और माशाल्लाह वो बच्ची अभी तक मेरे पास है, और उसके बाद से ये सिलसिला शुरू हुआ और अभी हमारी तादाद 256 है। पठान होना बज़ाते ख़ुद बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि मैं पठान हूँ बेसिकली, और इसमें खुद ढेर सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो हमें फ़ेस करने पड़ते हैं। मैं तो सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने फैमिली में, अगर अपनी बच्चियों में, लड़कियों में आप गट्स देखते हो, अगर उनकी डायरेक्शन सीधी है तो आपको चाहिए कि उनका रास्ता आप हमवार करो, उनका साथ दो। ढेर सारी मुश्किल थी जो मैंने फ़ेस की है, स्पेशली ये बच्चे जिन घरों से आ रहे थे इनकी फैमिली से काफ़ी सारे इशू थे कि पता नहीं ये बच्चों को क्या सिखा रहे हैं ये लोग। उसके अलावा जैसे मैं मीडिया के ज़रिए बताना चाह रही थी कि मैं आर्टिस्ट हूँ और मैं जिस फील्ड में थी उसके बारे में लोगों को एक गाइडलाइन देना, बताना, स्किल्स को प्रमोट करना, उस पर मेरी सारी तवज्जो थी। बट एज अ पठान मतलब काफ़ी सारी मुश्किलात थी जो मैंने फ़ेस की, मेरी फैमिली से काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस थी कि आप मीडिया के सामने नहीं जाओ, बट उसके लिए काफ़ी सारे सेक्रीफाइसेस मैंने खुद भी किए, खुद अपने आप को बिल्कुल टोटली चेंज किया। और एक आपकी नीयत अच्छी और लगन आपकी सच्ची हो तो फिर कोई रास्ते में आपकी मुश्किल नहीं आती। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज जो वही जो छोटे बच्चे हैं उनके माँ बाप हमारे साथ हैं, अब उनकी मदर्स और उनके घर वाले खुद आते हैं, क्योंकि वहाँ के मेजॉरिटी जो आदमी है, जो जेंट्स हैं, जो मेल है, मेजॉरिटी आइस में और ड्रग्स वगैरह में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, तो वो लोग काफ़ी मुश्किलात में हैं और वो खुद चाहते हैं कि जो उनके यंग बच्चे हैं वो हमारे पास रहें, वो कम अज़ कम सेफ तो है यहाँ पे। तो उस वजह से भी काफ़ी लोग अब हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा इस काम को पसंद कर रहे हैं। ये तो चूँकि एक फैमिली सिस्टम है और हमने शुरू भी खुद अपनी फैमिली से इसकी शुरुआत ली थी, लेकिन अभी अल्लाह ताला का शुक्र है कि वक्त के साथ साथ जैसे आपका एतमाद और एतबार बहाल हो जाते हैं, तो अभी रिसेंटली हमारे साथ एलिमेंट्री ने काम शुरू किया है जिस पर हम उनके बहुत शुक्रगुजार भी हैं। उन्होंने हमें मॉर्निंग में कम्युनिटी स्कूल का दर्जा दिया है जिसमें इन्हीं बच्चों के जो छोटी बहनें हैं या कज़न्स वगैरह है तो उनके एडमिशन्स हुए हैं, और वो अभी हमारे पास माशाल्लाह 150 से ऊपर बच्चियाँ उसमें हैं। और उसके अलावा एक NGO है होप जो हमारे साथ अभी ब्यूटिशन और टेलरिंग पे काम कर रही है, और इसके अलावा दोस्ती वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा हिस्सा है जो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, और वो भी हमारे साथ आउट ऑफ द वे जा रहे हैं, और ना सिर्फ एजुकेशन बल्कि जो एग्जीबिशंस वगैरह होती है वो भी उनके तवसत से हम करते हैं। तो काफ़ी मतलब एक गुड चेंज है जो वक्त के साथ आता जा रहा है। अभी माशाल्लाह 256 की हमारी स्ट्रेंथ है जिसमें 150 हमारे पास बच्चियाँ हैं और बाकी बच्चे हैं तमाम, और हम अंडर 16 लेते हैं बच्चे, मतलब 16 साल से ऊपर के लड़के, क्योंकि फैमिली सिस्टम है और हमारे पास बच्चियाँ भी काफ़ी हैं। और यह है कि तादाद दिन ब दिन हमारी बढ़ रही है, तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो अनकरीब हम किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग में कोशिश करेंगे कि हम पे ट्रांसफ़र करें, क्योंकि ये तादाद हमें तो हज़ारों में नहीं लाखों में लेके जानी है। और हमने पाकिस्तान के हर शहर और हर सिटी में, हर ज़िले में, हर डिस्ट्रिक्ट में अपने रंगीत के ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांच ज़रूर बनानी है। पैगाम मेरा यही है कि एज अ फीमेल जैसे मैंने प्रॉब्लम फेस की है, तो अगर आप देखते हो कि अगर आपके बच्चे सही डायरेक्शन में है, उनका रास्ता सही है, उनका इंतखाब सही है, और एक जोश और वलवल आप उन पर देखते हो कि वो कोई बड़ा चेंज ला सकते हैं टाइम के साथ, जैसे हमने यहाँ पे दिखा दिया कि अगर आप एक सीधी डायरेक्शन आपकी हो और कुछ करना चाहते हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती, बल्कि लोग आपके साथ मदद के लिए फिर खड़े होते हैं। तो अगर इस तरह के बच्चे हैं आपकी फैमिली में, आपके घर में, तो आप उनके लिए ज़रूर उनका सपोर्टिंग रोल अदा करें, उनको खुद लेके आगे बढ़े। थैंक यू।